हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको एसपी ट्यूब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राशन कार्ड के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है। मेरा राशन 2.0 का ऐप था, वो उसको अपडेट करके उसमें अलग अलग फीचर्स को दे दिया गया है। ठीक है, उसमें लॉगिन करने के लिए आपको अपने आधार नंबर डाल के लॉगिन करना होगा। ठीक है दोस्तों, उस ऐप में अगर आप मेंबर को ऐड करना चाहते हैं या आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं या किसी मेंबर का नाम डिलीट करना चाहते हैं तो उसी ऐप के माध्यम से आप सारे फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत ही बड़ा अपडेट दिया गया है कि आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आप उसी ऐप से, मेरा राशन 2.0 ऐप से सारे अपडेट को क्लियर कर सकते हैं। यानी उसमें बहुत सारे फीचर्स दिया गया है। अगर आप चाहें तो उस ऐप से आप अपने राशन कार्ड को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगर आपको अपना राशन कार्ड दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या किसी मेंबर का नाम काटना है तो उस लिस्ट से आप उसी ऐप से काट सकते हैं, या आपको अगर किसी मेंबर का नाम जोड़ना है तो उसी ऐप से आप इसी मेंबर का नाम भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस ऐप का क्या फीचर है, कैसे यूज करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है उसका, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये सब जानना है तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चलिए मैं आपको लाइव प्रोसेस पूरा प्रोसेस करके बताता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा राशन 2.0 यह ऐप अपडेट हो चुका है, मतलब पुराने वाले से और भी अलग फीचर्स इस ऐप में दे दिया गया है, इस ऐप को अपडेट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यह ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पर आपको मेरा राशन 2.0 लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, जैसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन का ऑप्शन आ चुका है, तो इस ऐप को ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको इस ऐप में लॉगिन होना होगा। तो दोस्तों, ऐप में लॉगिन होने से पहले आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और आधार नंबर में जो आपका मोबाइल नंबर अपडेट होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ओपन करके लाइव प्रोसेस करके आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं और क्या क्या नया प्रोसेस इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मेरा राशन ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिशियरी यूज़र और यहाँ पे डिपार्टमेंट यूज़र। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपने लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी यूज़र पे यहाँ पे क्लिक करना है, पहला वाले ऑप्शन पे। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल के आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको पहली बार इस ऐप को लॉगिन करने के लिए आपको आधार कार्ड नंबर डाल के आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस ऐप में वही लोग लॉगिन हो सकते हैं जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप मोबाइल नंबर कैसे पता करेंगे कि आपका जुड़ा है कि नहीं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप अपने आधार नंबर पर चेक कर सकते हैं नंबर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है, फिर यहाँ पे इस कैप्चा कोड को भर देना है। ठीक है, यहाँ पे इस कैप्चा कोड को भरेंगे और लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आधार नंबर कैप्चा कोड भरने के बाद यहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी सेंड सक्सेसफुल, आपका ओटीपी भेज दिया गया है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। ठीक है, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, मैंने ओटीपी यहाँ पे भर दिया है और यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे क्रिएट एम पिन करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऐप को यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको एक एम पिन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ से एम पिन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट नाउ का ऑप्शन दिया है, या आप स्किप करके छोड़ भी सकते हैं, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप अपना एम पिन 4 डिजिट का शो कर लेंगे, यानी डाल के आप चेंज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं योर एम पिन कोड हैज़ बीन सेव्ड, मतलब आपका एम पिन सेव्ड कर लिया गया है। ठीक है, आपको ओके पे क्लिक कर लेना। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऐप में आप जैसे ही लॉगिन होंगे
तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका डिजिटल राशन कार्ड यहाँ पे शो कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये अभी ऐप नया ही लॉन्च हुआ है और आपका राशन कार्ड बिल्कुल नया ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं अब आपका राशन कार्ड डिजिटल हो गया है और इसी तरह से आपका राशन कार्ड मिलेगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं राशन कार्ड पे जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए बैक साइड आ जाएगा। ठीक है, और इसमें भी आपका राशन डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे राशन कार्ड में आपका जितने भी सदस्य का नाम है सारे सदस्यों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक आइकन मिल जाएगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं एक आइकन मिल गया है, डाउनलोड का आइकन बना हुआ है। इस पर जैसे ही टाइप करेंगे तो आपका ये डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पेंडिंग मोबाइल नंबर, ठीक है यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि अलग अलग सदस्यों का अब मोबाइल नंबर इसमें ऐड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी पेंडिंग मोबाइल अपडेट 5 है, यानी आपके 5 सदस्यों का अपडेट नहीं है फ़ोन नंबर। ठीक है, आप इस यूनिट में 6 लोग हैं पूरे, तो 6 में 5 लोगों का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। ठीक है, तो इस राशन कार्ड में अब सभी मेंबर का मोबाइल नंबर अपडेट हो सकता है। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों का मोबाइल नंबर अपडेट हो सकता है अपना अपना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेज फैमिली डिटेल्स, यहाँ पे अपने फैमिली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज फैमिली वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे आप अपने न्यू मेंबर का भी नाम ऐड कर सकते हैं खुद से अपने मोबाइल फोन के माध्यम से, इसी ऐप के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स और भी दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं केवाईसी कंप्लीट हो गया है, 5 मेंबर का केवाईसी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यानी 1 लोगों का अभी केवाईसी होना बाकी है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सारे मेंबर का नाम यहाँ पे शो कर दिया गया है। ठीक है, अलग अलग मेंबर हैं, सारे मेंबर का अलग अलग डिटेल्स है। ठीक है, अगर आप दोस्तों चाहें तो इस मेंबर में, अगर चाहते हैं इस वाले मेंबर में आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है और जो भी एडिट करना चाहते हैं इसमें आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। देख सकते हैं हर कैंडिडेट में यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे अलग अलग फ़ोन नंबर सारे कैंडिडेट का इसमें ऐड हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कोई मेंबर आपके अलग हो गया है और उसका नाम आप अपने राशन कार्ड लिस्ट से काटना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डिलीट का बटन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ही डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बार और कंटिन्यू करना होगा, यस का परमिशन देना होगा और इसमें आपका मेंबर का नाम यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी ऐप के माध्यम से आप अपने मेंबर का नाम भी काट सकते हैं इसी ऐप से। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसमें दिया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। अभी ये ऐप नया लॉन्च हुआ है तो इसलिए ऐप बढ़िया से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फैमिली मेंबर को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ऐड न्यू मेंबर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 9 स्टेप में आपको मेंबर ऐड को करना है। ठीक है, यानी आप फैमिली को ऐड करना चाहते हैं तो 9 स्टेप में आपका ऐड मेंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, यानी 9 स्टेप में आप अपने मेंबर को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, सारे डिटेल्स को आपको फिल करना है, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नाम मांगा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एज और यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे और भी आगे फादर नेम वगैरह मांगा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका देखिए फादर नेम पूछा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे नेशनलिटी पूछा जा रहा है, बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे आपको भरने होंगे। ठीक है, और इसी तरह से आपको 9 स्टेप में बारी बारी से सारे स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, और इस तरह से आपको अपना सारा डिटेल्स भर के आप अपने मेंबर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह ऐप अभी नया नया लॉन्च हुआ है इसलिए आप अभी मेंबर ऐड का काम इसमें नहीं चल रहा है। ठीक है, यानी 1 से 2 दिन या 1 हफ्ते के बाद आप इसी ऐप के माध्यम से अपने राशन कार्ड में मेंबर को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, यह ऐप सही से चलना लगेगा तो आपका इसी में सारा काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप अपने फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम बैक करते हैं फिर से,
यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जितने भी आपके राशन कार्ड में लोग हैं यहाँ पे सारे लोगों का नाम दिखा दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना नाम एडिट कर सकते हैं, आप अपने नाम को हटा भी सकते हैं, अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो भी आप इसी ऐप से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें आप अपना ऑनलाइन KYC भी चेक कर सकते हैं कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है KYC। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे देख सकते हैं 5 मेंबर का KYC हो गया है और यहाँ पे टोटल 6 लोग हैं, यानी एक का अभी eKYC कंप्लीट बाकी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार eKYC नॉट वेरीफाइड बता रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यह ऐप का अभी सर्वर प्रॉब्लम है इसलिए ये सब बता रहा है। जैसे ही ऐप अच्छे तरीके से काम करने लगेगा सारा मैनेज सही सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं राशन कार्ड ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आप अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में भी राशन कार्ड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आप अपने स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह से कुछ दिया होगा। जैसे ही ऐप अच्छे तरीके से वर्क करने लगेगा आपको सारा स्कीम मैं बता के दे दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप राशन कार्ड को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको बहुत सारे फीचर दिया हुआ है इस ऐप में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे एक 3 लाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका मेम्बर का नाम बताया गया है, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर होम का ऑप्शन दिया है, मैनेज फैमिली डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है, राशन इनरोलमेंट दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अलग अलग तरीके का बहुत सारे में फंक्शंस आपको बताया गया है, ठीक है। सारे फंक्शंस को आप चेक कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं आसानी से। जैसे ही अच्छे से ऐप वर्किंग करने लगेगा मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा, उस तरह से आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस तरह से आप अपने राशन कार्ड में अपने मेंबर को भी ऐड कर सकते हैं, eKYC ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और आप अपना फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, eKYC का भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।